हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्र विद बीएम सर। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। साथियों, इन दिस पोएम वी विल टॉक अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट द लव अफेयर्स एंड द कैरेक्टर ऑफ वेमेन। तो महिलाओं के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, व्हाट वर द थॉट्स ऑफ जॉन डन, उनके बारे में अभी हम इस लेसन में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन के बारे में बात करने से पहले आई जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो फार, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब इट नाउ, इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, देन वी स्टार्ट दिस। तो टू नो अबाउट द बर्थ ऑफ जॉन डन, ही वॉज बोर्न इन 1572, 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने लिटरेचर पर काम करना प्रारंभ किया था और लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब ही रही थी इनकी, कई सारी मैरिजेस वगैरह करनी पड़ी थी। तो अर्ली डेज में उनके क्या थॉट्स थे वेमेन के बारे में, उनके बारे में हम इस पोएम में जानेंगे। आफ्टर दैट उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं उनके लेटर लाइफ में, उनके बाद के जीवन में ये थॉट्स उनके बदल जाते हैं। तो जो शुरुआती थॉट्स होते हैं उन्हें हम इस पोएम में जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो 1633 में पब्लिश हुई थी, उसका हिस्सा है ये पोएम। और इस पोएम के बारे में हम अभी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना प्रारंभ करेंगे। एज यू नो गाइज, दीज लाइन्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉन डन्स फेमस पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एज लुक्स फ्रॉम इट्स नेम, इसके नाम से जैसा कि पता चलता है साथियों, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। क्यों पकड़ के लाने की बात करते हैं वो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। The thoughts in this poem are based on woman's inconstancy. एक महिला की बेवफाई के बारे में thoughts यहाँ पर इस poem में कहे गए हैं। These are the, I just remind you again, these are the early thoughts of the poet. कवि के प्रारंभ के जो विचार थे वो ये थे। तो इन विचारों को हम जानेंगे, इसके बाद में विचार बदल जाते हैं उनके, इस बात पर भी फोकस रहेंगे। एक तरफा बचने की कोशिश नहीं करेंगे, पोएम को पढ़कर के यही मानने की कोशिश नहीं करेंगे कि जॉन डन हमेशा यही सोच रहे थे जो इस पोएम में उन्होंने लिखा था। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इट्स अ लव पोएम, एक प्रेम गीत है यह है। इन दिस लाइट एंड प्लेफुल पोएम द पोएट इज़ गिविंग एक्सप्रेशन टू हिज ग्रेट डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमन काइंड। He says that it is impossible to find a faithful woman. He suggests that it is no more possible to find a faithful woman than it is to catch a falling star. यानी एक वफादार स्त्री को प्राप्त करना जो है वो गिरते हुए तारे को पकड़ने से भी ज़्यादा कठिन है, इसमें ये बताया गया है। In this वे द सेंट्रल आइडिया ऑफ डन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज वुमन्स इनकॉन्स्टेंसी, एक महिला की बेवफाई इस कविता के मूल विचारों में से है। तो फ्रेंड्स, विशी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ो। आगे लिखा है गेट विद द चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, एक मैंड्रेक के पेड़ की जड़ से एक बच्चा पैदा कर लेना। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पेड़ ढूंढना, पौधा ढूंढना जो कि बच्चे पैदा कर सके। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर और हु क्लेफ द डेविल्स फुट, ऑल पास्ट ईयर्स आर, पिछले गुजरे हुए वर्ष कहाँ चले गए हैं, इस तरह का ज़बरदस्त ज्ञान प्राप्त कर लेना। अथवा हु क्लेफ द डेविल्स फुट, डेविल के पंजे को किसने चीरा था, किसने क्लेफ्ट किया था, इस बात को जान लेना। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, और मुझे ये सिखा देना या ये बता देना मुझे कि आपने मरमेड का गाना सुना था। मरमेड कह सकते हैं हम एक आधी मछली और आधी स्त्री के रूप में जो हम कल्पना करते हैं,
और ये मानते हैं कवि कि वो बहुत सुंदर मेलोडियस सॉन्ग्स गाया करती थी, आदि मछली आदि स्त्री, तो उसका आपने कभी गीत सुना हो ये बात मुझे आप बता देना। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंग अथवा एनवी या ईर्ष्या की भावना जो हमारे मन में होती है, हमारे मन में चुभन पैदा करती है, इसको किसी के हृदय से मिटा देना, यानी एक व्यक्ति को इस प्रकार की चीज़ें सिखा देना कि वो ईर्ष्या करना ही छोड़ दे। एंड फाइंड वॉट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। तो एक ऐसी सिचुएशंस यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई हैं, एंड पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इट इज़ हार्डर टू फाइंड अ ऑनेस्ट फाइंड एन ऑनेस्ट वूमन देन टू गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये सारे सिचुएशंस, एक पेड़ से बच्चा पैदा कर लेना, या पिछले अतीत के बारे में जान लेना, डेविल का पंजा किसने फाड़ा इसके बारे में जान लेना, मरमेड को गाते हुए सुन लेना, या किसी के हृदय से एनवी को हटा देना, ईर्ष्या भावना को ही हटा देना, इन सारी चीज़ें जो हैं, इतनी सारी चीज़ें करना आसान है, लेकिन एक फेथफुल महिला ढूंढना कठिन है। यहाँ पर कभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइंस को देखते हैं, तो यहाँ इस तरह की सिचुएशंस पैदा की गई हैं जिन सिचुएशंस में कठिन से कठिन दुनिया का सामने हमारे रखा गया है, और उस कठिन काम को करना भी उतना कठिन नहीं है जितना कि एक ऐसी स्त्री को ढूंढना जो कि अच्छी हो, वफादार हो, ईमानदार हो। यहाँ एक चीज़ कही गई है, वॉट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसमें द पोएट वॉन्ट्स टू नो द रीजन, जो कि एक मैन को, एक आदमी को ऑनेस्ट बनाता है, आदमी को ईमानदार बनाने वाले उस फॉर्मूले को पकड़ लेना, जान लेना भी इतना कठिन नहीं है जितना कि एक ऑनेस्ट वूमन को ढूंढना यहाँ पर कठिन है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं साथियों, इफ दाओ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, यदि आप लोग स्ट्रेंज साइट से अजीबोगरीब दृष्टि आपके अंदर आ जाए, जादुई नज़रें आपके अंदर आ जाए, आप दुनिया में जादू से कुछ भी देख सकें, और ऐसी दृष्टि आपके अंदर आ जाए, थिंग्स इनविजिबल टू सी, आपको इनविजिबल चीज़ें भी दिखाई देने लग जाएं, आपको अदृश्य चीज़ें भी दिखाई देने लग जाएं, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो भी आप 10,000 दिन और रात घोड़े पर सवार करके चलते चले जाएं, ढूंढते चले जाएं, टिल एज पूरे जीवन भर ढूंढते रहें, स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, और आपके ऊपर बिल्कुल सफ़ेद बाल हो जाएं आपके ढूंढते ढूंढते, अर्थात वृद्धावस्था आपके आ जाए, तब तक आप घोड़े पर बैठ के 10,000 दिन और रात तक ढूंढते फिरते रहें। When thou returns, willest tell me, जब आप लौटोगे तब आप मुझे ये चीज़ बताओगे कि all strange wonders that befell me and swear, कि जितने भी अद्भुत नज़ारे हैं, आश्चर्य हैं, जो जो मेरे सामने आए हैं, एंड swear, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि nowhere, आप कहोगे कि मैं कसम खाकर कहता हूँ nowhere lives a woman true and fair, कि एक सच्ची और वफादार महिला कहीं नहीं रहती, इस बात को आप मुझसे कहोगे आकर के। द पोएट सेज दैट अ मैन बॉर्न विद द पावर टू सी स्ट्रेंज साइट्स एंड इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स मे राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स एंड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल हिज हेयर बिकम्स ग्रे बट ही विल नॉट बी एबल टू सी, तो वो आदमी देख नहीं सकता या ढूंढ नहीं पाएगा, क्या नहीं ढूंढ पाएगा, फेथफुल वूमन, एक वफादार महिला को नहीं ढूंढ पाएगा, ही विल टेल स्टोरीज ऑफ वंडरफुल साइट्स एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स, कितनी भी अद्भुत चीज़ें देख ले तो भी वह एक फेथफुल वूमन को नहीं ढूंढ पाएगा, भले ही पूरा जीवन निकल जाए। द पोएट सेज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ फेथफुल एंड ब्यूटिफुल वूमन इन दिस वर्ल्ड, एक खूबसूरत और वफादार महिला को ढूंढना, एक खूबसूरत और सच्ची महिला को ढूंढना इस दुनिया में इन सब आश्चर्यों से भी बढ़कर है। यहाँ पोएट जो है वो इन बातों पर फोकस करते हैं। सी नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, इफ दाओ फाइंडेस्ट वन,
यदि आपको कोई मिल भी जाती है खूबसूरत और वफादार महिला, एक सच्ची महिला, तो लेट मी नो, मुझे बता देना, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट। ऐसी पिलग्रिमेज कहते हैं तीर्थ यात्रा को, ऐसी तीर्थ यात्रा बहुत मधुर होगी। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, और अगले ही दरवाजे पर जब हम मिल सकते हैं, दाओ शी वर ट्रू, कि वह सच्ची हो, वैन यू मीट हर, जब आप उससे मिलोगे। एट लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और अंत में जब आप पत्र लिखोगे, लेटर लिखोगे, येट सी विल बी फॉल्स एयर आई कम टू टू और थ्री। यहाँ कह रहे हैं जब आप उस सच्ची महिला के लिए, खूबसूरत और सच्ची महिला के लिए एक या दो या तीन पत्र लिखोगे, तब तक वो झूठी हो चुकी होगी, तब तक वह वफादारी उसकी ख़त्म हो चुकी होगी। कहने का मतलब है, कभी कहना चाहता है, खूबसूरत महिला और सुंदर महिला जो कि वफादार हो, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, पूरे जीवन भर ढूंढते रहें। लेकिन अगर मिल भी जाती है तो आप उसके लिए जब तक एक दो पत्र लिखोगे, तब तक वह भी अपनी वफा को खो चुकी होगी, बेवफा बन चुकी होगी। ऐसा कवि या पोएट जो है जॉन डन यहाँ पोएम में हमारे लिए बताना चाहते हैं। तो इतनी छोटी सी पोएम थी साथियों, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट दीज आर द अर्ली थाट्स ऑफ द पोएट, कवि के प्रारंभिक विचार हैं, उसकी जवानी के अवस्था में लिखी गई पोएम के विचार हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब वृद्धावस्था कवि की आती है, तब इन विचारों में थोड़ा परिवर्तन आता है। ये विचार थोड़े आक्रामक हैं, इसलिए किसी को भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि डन के विचार हमेशा से ऐसे रहे थे। इन विचारों में कुछ वो परिष्करण करते हैं, संशोधन करते हैं, बाद में अपने विचारों को, थॉट्स को थोड़ा चेंज करते हैं। तो दीज आर द मेन थिंग्स रिलेटेड टू दिस पोएम। साथियों, पोएम आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।